अस्पताल प्रबंधन किस स्थिति में चल रहा है फिलहाल? अभी हमारे यहाँ जो है मरीजों की संख्या बहुत बड़ी है। करीब हमारी ओपीडी 800 900 हज़ार तक जाने लग गई है। काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास दवाइयों की अभी तो हम किसी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। हमें बजट ना आने के कारण हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने इसके लिए अपने डीजी महोदय को भी लिखा हुआ है। उम्मीद है, देखिए बजट आ जाता है तो हम शायद सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चला पाएंगे। तो किस तरह की परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे बिना बजट के? ऐसा है कि हमने जैसे बजट अभी अप्रैल से हमारे पास इस साल में 2017 में हमारे पास किसी प्रकार का कोई बजट नहीं आया। तो हमने जो हमारी दवाएं हैं, सर्जिकल सामान है और ड्रेसिंग मटेरियल है, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं या जो छोटा मोटा काम टूट फूट जो रिपेयरिंग ये सब होती है, तो वो सब भी हम नहीं करा पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो अभी तक जो हमने लिया लिया था लोगों से सामान, जो सप्लायर ने सप्लाई किया था, उन्होंने काफ़ी 70 80 लाख रुपए का सामान हम ले चुके हैं। तो अब हमारी डिमांड पूरी, मतलब जो है कि सामान अब फिर हमें और फर्दर दवाइयाँ चाहिए। अब वो लोग पेमेंट मांग रहे हैं, उनका कहना है कि साहब पहले हमारी पेमेंट करो तो तब हम बाकी आगे सप्लाई करें, इसलिए थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, अगर बजट अगर टाइम से नहीं जारी होता है तो आपका क्या कदम रहेगा उसके बाद? बजट देखिए, बजट तो देना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो हम कैसे चला पाएंगे। तो हमें दिक्कत हो जाएगी चलाने में। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, अब डिमांड भी भेज रहे हैं। अब देखो सरकार से, देखो कब शायद हो सकता है ये 29 तारीख को ये विधानसभा सत्र और कैबिनेट की मीटिंग होनी है, शायद इसके बाद शायद आ जाए। उम्मीद करते हैं इसके बाद शायद आ जाएगा।